गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम लोग जो बीत गई सो बात गई कविता को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा करते हैं, लघु जीवन लेकर आए प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चन जी मिट्टी के प्याले के माध्यम से मानव जीवन की नश्वरता की बात कही है। मिट्टी के प्याले जिनमें शराब पी जाती है उसका जीवन अत्यंत ही छोटा होता है, लेकिन वही मदिरालय की शोभा है। अगर मदिरालय में शराब खाने में प्याले ना हो तो उस मदिरालय की कोई शोभा ही नहीं है। नशे का आदि मनुष्य होता है वह शराब की मादकता से उसके नशे से बच नहीं सकता, और प्याले के प्रति मोह रखने वाले कच्चे हैं। जो सच्चे पीने वाले हैं वे प्याले की नश्वरता पर कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि धूल में तो मिलना ही है एक न एक दिन। तो प्रकृति का नियम है, इस नियम को बदला नहीं जा सकता। यह नियम जो है अपरिवर्तनशील है, उसके लिए रोना चिल्लाना पछताना यह कैसा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ वो वही बोल रहे हैं कि मदिरालय की शोभा है वह प्याले, मिट्टी के प्याले, और उनका टूटना भी निश्चित है। तो जो मादकता, जो शराब के नशे का मतलब जानते हैं, जो शराब के नशे में धुत रहते हैं, उन्हें तो पता ही होता है, वो उसी प्याले में वो मधु पी रहे, शराब पी रहे हैं, लेकिन उनके सामने अगर वो प्याला टूट जाए तो वो दुख नहीं मनाते, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ एक न एक दिन नश्वर है, सब नष्ट होने वाला है। लेकिन जो कच्चे पीने वाले होते हैं, जो प्याले के प्रति मुँह रखते हैं, वह सच्चे नहीं होते, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि एक न एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है, सब खत्म हो जाना है। तो यहाँ पे कवि यही बोलना चाहते हैं कि सच्चे पीने वाले कभी दुखी नहीं होते, लेकिन जो सच्चे पीने वाले नहीं होते हैं वही प्यालों के टूटने पर दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं। और कितना भी रो चिल्ला लो तो क्या, कभी कुछ जो चला गया वो लौट के आने वाला है, क्योंकि जो तो बीत गया सो बात गया, अब वो खत्म हो चुका है। होमवर्क के लिए अब आप लोग प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे। थैंक यू बच्चों, अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे, और साथ ही आप हमारे PPT और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।